तो दयाशंकर सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने से गदगद बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने यह कह दिया कि दलित समाज के लोग उन्हें देवी के तौर पर पूछते हैं, लिहाजा वो इस मुद्दे को लेकर गुस्से में है। इस बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, कार्यकर्ता भद्दी गालियां देते नजर आए, पोस्टर्स भी कुछ ऐसे ही थे। सड़क पर समर्थकों का यही उबाल देखकर मायावती इतनी गदगद हो गईं कि खुद के बारे में एहसास होने लगा कि वो किसी देवी से कम नहीं है। अंबेडकर की अनुयायी मायावती यूं तो सियासी गलियारों में बहन जी के नाम से मशहूर हैं। उनके समर्थकों को भी उन्हें बहन जी कहते ही सुना था, लेकिन आज पता चला कि असल में वो अपने समर्थकों की देवी हैं। पूरे देश के अंदर तो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो बीएसपी से जुड़े लोग हैं या नहीं भी जुड़े लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, वो मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। मुझे वो सही मायने में वो बहन जी के साथ साथ मुझे वो देवी के रूप में भी मानते हैं। तो मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ, क्योंकि जब उसने अभद्र भाषा का जो कल इस्तेमाल किया, जिसको वो अपनी बहन और देवी की तरह मानते हैं, आप लोगों को मालूम है आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द बोले आपको कितना बुरा लगेगा। खुद को जब देवी होने का एहसास होने लगा तो मायावती ने अपने दिल को भी बड़ा कर लिया। कहने लगी कि चाहती तो बीजेपी मेरा दिल जीत सकती थी, माफ कर देती, लेकिन मौका गंवा दिया। मैं बीजेपी के सभी राष्ट्रीय नेताओं को ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, उन्होंने इस घटना की निंदा की तो मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्होंने उसको उपाध्यक्ष के पद से निकाला, उसको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया, ये एक मामूली सी प्रक्रिया, हम उसके इस कदम की सराहना करते, लेकिन अच्छा होता कि यदि वो खुद FIR दर्ज कराते इस मामले में। बीजेपी तो मौके से चूक गई, लेकिन बीएसपी के नेता इसे भुनाने में नहीं चूके। बीएसपी की देवी का अपमान हुआ तो कार्यकर्ता उतर गए सड़कों पर। मायावती की गाली के बदले बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की, धक्का मुक्की की, हंगामा किया, पुतला जलाते जलाते खुद झुलस गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। कुछ ने जैसे का जवाब तैसा के तर्ज पर बीजेपी नेताओं को गालियों से अलंकृत किया, तो कुछ ने ऐलान कर दिया कि दयाशंकर की जीभ काट कर लाइए, माला माल कर दूंगा। जब तक दयाशंकर जैसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मैंने जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि यदि उसको गिरफ्तार कर लिया है तो यहाँ आकर के हम लोग सूचित करें, तभी हम धरने प्रदर्शन से उठेंगे, अन्यथा नहीं उठेंगे। ऐसे बंदे को सिर्फ पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जाए, उसको जेल पहुंचाया जाए। और मैं आपके चैनल के द्वारा ये घोषित करती हूँ कि जो भी मेरे को उसकी जीभ लाके देगा उसको 50 लाख का इनाम जन्नत जहाँ खुद देगी। गजब का जोश है, गजब का उत्साह है, इसे कहते हैं सियासी भक्ति। अपनी देवी के लिए कुछ भी कहने और कुछ भी करने के लिए तैयार है कार्यकर्ता। सियासी समर में सामने चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, मर्यादा में ही जुबानी जंग होनी चाहिए, और ये सभी दलों के लिए लागू है। विवेक तिवारी, इंडिया 24/7, लखनऊ।